कि तहरा जैसन भाई कहाँ, तहरा जैसन यार कहाँ। हिरान बम तो बबुआन बम तो पंडितान बम, उसमें एगो नया निकला है मुस्लिम बम, मतलब ये सब क्या चल रहा है। बहुत पवन पांडे जी खेसारी लाल यादव के बहुत करीबी माने जाते हैं, अब पवन सिंह के साथ गाना आ रहा है और खेसारी लाल यादव जी के साथ गाना नहीं आ रहा है, कोई अपडेट नहीं है, ऐसा क्यों? कुछ इस तरह के लोग थे जो राजपूत और यादव कया करते थे, कई लोग ही दूसरा के बीच में कटे मरे, कितना गोली भी चला आपने सुना होगा कई जगह, पर उन फैंस के लिए कितना बड़ा झटका था। हाँ, मुझे पता था कि ऐसा होना है, तो मुझे कैसा लगेगा। आपको पता अच्छा था पहले से? बहुत अच्छा लगा पहले से। अच्छा बाबा, आप विवाद से नहीं रहते हैं? भरोसा है, और हम ही नहीं, पवन जी भी एक्साइटेड हैं इस गाने से। एक्साइटेड हैं, मतलब कि एक तरफ पवन जी की आवाज़ एक तरफ, और एक तरफ दूसरी तरफ पवन जी की लिरिक्स देखने को मिलेगा। हाँ, जब दो पवन एक साथ मिलेंगे तो आंधी तो आएगा। हम लोग पहले से भी काम कर चुके हैं एक साथ में, और एक भाईचारा है, एक दोस्ताना है, और एक बड़े भाई की तरह। बड़े भाई की तरह 2009 सिंह के साथ आपका गाना आने वाला है, कितनी इस बात में सच्चाई है? और गाना आने वाला है तो किस तरह का गाना? नाम मैं हूँ आप सभी का भाई तेजा, और आप सभी देख रहे हैं हेडलाइन भोजपुरी। आज देख सकते हैं कि हमारे साथ भोजपुरी के बहुत ही बेहतरीन राइटर पवन पांडे जी मौजूद हैं। कैसे हैं भैया? बहुत बढ़िया है, और जितने लोग देख रहे हैं हेडलाइन भोजपुरी, आप सबको नमस्कार है, प्रणाम है। अगर अच्छा लगे वीडियो तो जरूर शेयर कीजिए। जी भैया, बड़ा खबर चल रहा है कि पावर स्टार पवन सिंह के साथ आपका गाना आने वाला है, कितनी इस बात में सच्चाई है? और गाना आने वाला है तो किस तरह का गाना होगा? आने वाला है, लोकगीत आएगा और सैड सॉन्ग आएगा। लोकगीत आएगा और सैड सॉन्ग आएगा, मतलब कितने गाने आने वाले हैं, क्या कुछ तैयारी, मतलब कि पुराना अंदाज 2016 वाला अंदाज आएगा कि, क्योंकि काफ़ी गैप हो गया है? नहीं, देखिए, हमारा जब भी गाना आता है तो एक अलग तरीका का गाना आता है, और जिसके आवाज़ में आता है तो थोड़ा बजता है। तो मेरा गाना एक दो अभी हुआ है, अभी लगातार गाना आएगा। लगातार पवन जी के साथ कितने गाने आने वाले हैं? लगातार आएंगे। लगातार मतलब कि अब पवन पांडे जी और पवन सिंह का जलवा पवन पवन एकदम हवा हवा कर देंगे सब। देखिए, ऐसा नहीं है कि पवन जी के लिए हम अकेले इकलौते राइटर हैं, बहुत सारे राइटर हैं, माने हमारे कुछ कंपनियां हैं जिस कंपनी से हमेशा आएगा। जी, कौन सी कंपनी सर? अभी तो फिलहाल आदिशक्ति से आने वाला है। जी, जब पावर स्टार पवन सिंह से पूछा गया कि क्या पवन पांडे जी के साथ गाना आपका आने वाला है, तो उन्होंने कहा कि हाँ, वो हमारे भाई हैं और ज़रूर उनका गाना आएगा। ज़रूर भाई हैं, और हम लोग पहले से भी काम कर चुके हैं एक साथ में, और एक भाईचारा है, एक दोस्ताना है, और एक बड़े भाई की तरह। बड़े भाई की तरह 2016 में आपके काफ़ी गाना आए थे पवन सिंह के साथ, काफ़ी गाना मार्केट में तहलके भी मचा दिए थे, तो वो जो पुराने यादें हैं लगता है कि अब ताज़ा हो जाए। बहुत दिन बाद जब गाना आ रहा है तो ज़रूर लोग पसंद करेंगे, और बेहतर गाना आ रहा है, गाना इतना स्ट्रांग है कि मुझे खुद भरोसा है, और हम ही नहीं, पवन जी भी एक्साइटेड हैं इस गाने से। एक्साइटेड है, मतलब कि एक तरफ पवन जी की आवाज़ एक तरफ, और एक तरफ दूसरी तरफ पवन जी की लिरिक्स देखने को मिलेगा। हाँ, जब दो पवन एक साथ मिलेंगे तो आंधी तो आएगा। आंधी आएगा। भैया ये बताइए कि अभी जिस तरह से फोटेज वायरल हो रही हैं एक दूसरे के, पावर स्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव एक दूसरे को चुम्मा उम्मा ले रहे हैं, एक दूसरे को गले मिल रहे हैं, लगता है कि दूगो जंगल का बिछड़ा छेड़ दूगो भाई मिल गया है। ये तो बहुत अच्छी खबर है भोजपुरी के लिए, और ये पहले ही हो जाना चाहिए था। और मैं 2-3 दिन से बोल भी रहा था कि इन लोगों के बीच कोई विवाद नहीं है, विवाद बिचौलिए कर रहे हैं, और ये लोग कल भी एक थे, आज भी एक है, भविष्य में भी एक है। वो यूट्यूबर जो कहीं ना कहीं पावर स्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव पर न्यूज़ बनाते थे, उनका मानिए तो अब न्यूज़ एक को बड़ा दिखाना, एक को छोटा दिखाना, एक को बहुत बड़ा कह देना, एक को कह देना कि एकदम जमीन का कौड़ी के बराबर है, उनके लिए क्या कहिएगा? उनका तो मतलब लगता है कि अब खत्म हो गया सब। कुछ खत्म नहीं होगा, जिसका जो स्वभाव है वो करता ही रहेगा, अभी भी उसमें कुछ ना कुछ निकाल के वो लोग करवे करेंगे, कुछ ना कुछ करवे करेंगे। आपको पर्सनली कैसा लगा जब आपने देखा कि फोटो दोनों भाई 2 साल बाद मिल रहे हैं? मुझे पता था कि ऐसा होना है, तो मुझे कैसा लगेगा। आपको पता था पहले से? बहुत अच्छा लगा पहले से। अच्छा बाबा, आप विवाद में नहीं रहते हैं, 2 साल में तमाम बड़े बड़े विवाद हुए, पर विवाद में पवन पांडे जी एकदम नहीं रहते हैं, क्या कारण है? विवाद करने से कोई फायदा है? आज विवाद देखिए, विवाद जो किया उसका क्या हाल है? ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे आपकी नज़रें झुके, आपकी नज़रें हमेशा नज़र से नज़र मिलाए, ऐसा काम करना चाहिए। आज जो विवाद किया उसका क्या हाल है? आज दोनों लोगों तो मिल गए,
दोनों लोग का एक साथ पब्लिक भी हो गया फोटो, और जो विवाद किए उनका क्या होगा? ऑडियंस में कुछ इस तरह के लोग थे जो राजपूत और यादव कया करते थे, कई लोग ही दूसरे के बीच में कटे मरे, कितना गोली भी चला आपने सुना होगा कई जगह, पर उन फैंस के लिए कितना बड़ा झटका था क्योंकि कलाकार तो मिल गए। देखिए फैंस कभी विवाद नहीं करते हैं, मैं शुरू से बोल रहा हूँ और हर न्यूज़ में बोलता हूँ कि फैंस कभी विवाद नहीं करते हैं, विवाद वो करते हैं जिनसे उनकी रोजी रोटी चलती है, वो लोग विवाद करते हैं, जिनको विवाद में मजा आता है वो लोग विवाद करते हैं। फैंस अगर विवाद करते तो यादव जी के बारात में खेसारी पवन जी का गाना बज रहा है, बाबू साहब के बारात में खेसारी जी का गाना बज रहा है, जाइए गाँव में नेवता करने अक्सर बजता है। बजता है, विवाद कहाँ है, विवाद नहीं है, पर जो फैंस है वो कहीं ना कहीं लड़ते थे कि पवन सिंह बड़े हैं तो खेसारी लाल बड़े हैं, जमीनी स्तर पर लड़ाई हो गई थी, पर वो सारी चीज़ें खत्म हो गई और अभी दोनों मिल रहे हैं तो उनके लिए कितना शौक रहेगा ये चीज़। आप उनको फैंस कहते हैं, हम उनको फैंस नहीं कहते, इसलिए कि वो तो आज सदमे में। उनके लिए क्या संदेश रहेगा, क्योंकि अभी भी कई ऐसे यूट्यूबर पनपेंगे कि जो कहेंगे कि ये पवन बड़े हैं खेसारी बड़े हैं, और हो सकता है फिर विवाद होगा और फिर दूसरा विवाद एक हो जाए। देखिए अब उन यूट्यूबरों के बारे में हम क्या बोलेंगे, उन पर जारी एक नज़र डाल बनाए रखिए, उन लोगों का क्या एक्टिविटी है, और लोग तो नए सर्च में रहेंगे कब फिर इन लोगों में विवाद करा दें, कब विवाद करा दें। अच्छा, पवन पांडे जी खेसारी लाल यादव के बहुत करीबी माने जाते हैं, अब पवन सिंह के साथ गाना आ रहा है और खेसारी लाल यादव जी के साथ गाना नहीं आ रहा है, कोई अपडेट नहीं है, ऐसा क्यों? खेसारी जी के साथ गाना नहीं आ रहा है तो किसी के साथ अभी गाना नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। खेसारी जी के करीबी हैं और हैं, अब थे हैं और कभी भी रहेंगे, हमारे गांव से हैं उन। देखिए किसी से हमारा गाना बजाना का रिलेशन अलग है, लेकिन खेसारी से घर का दोस्ताना है, घर का है, गाँव के हैं, और उनसे हमेशा भाईचारा बना रहेगा, कभी भी भाईचारा बना। अच्छा, आपने गाना सुना होगा कि आजकल गाना कुछ इस तरह से बन रहा है, हीरान बम तो बबुआन बम तो पंडितान बम, उसमें एक नया निकला है मुस्लिम बम, मतलब ये सब क्या चल रहा है भोजपुरी में? वो जो गाते हैं उनसे जाकर पूछिए ना, हम लिखें अगर लिखते लिखेंगे उस टाइप का। तो आप ऐसे गानों को समर्थन करते हैं क्या? ऐसे गानों को आप समर्थन करते हैं? ऐसे गाने नहीं आना चाहिए, लेकिन आप सबका अपना अपना रूल है गाने का, तो मैं किसी के पर्सनली मैं उंगली नहीं कर सकता, पर्सनली मतलब किसी पर भी टिप्पणी नहीं करेंगे आप। क्या कहिएगा जो ऑडियंस आपके लिए काफ़ी बेकाब अंदाज में बैठी हुई है कि पवन पांडे जी का गाना कब देखने को मिलेगा, वो भी पवन सिंह के साथ? सावन बाद देखने को मिलेगा। सावन बाद? सावन में कुछ अपडेट खेसारी लाल यादव जी के साथ, रितेश पांडे जी के साथ, किसी बड़े सुपरस्टार के साथ आपका गाना? अभी तो शुरू किए हैं लिखना, अभी तो सिर्फ राकेश मिश्रा जी का लिखे हैं और कुछ नए लड़कों के लिए लिखे हैं, अभी 2 महीने का सावन है, बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग के लिए लिखेंगे। आपका एक गाना था डोली में गोली मार देम 3, वो गाना दर्शकों को कब सुनने को मिलेगा? नवंबर में, नवंबर, क्योंकि उसका 1-2 वर्जन भी नवंबर में आया था, 3 भी नवंबर में आएगा। खेसा पवन सिंह ने गाना गाया था स्टेज पे कि तहरा ऐसा दोस्त कहा, चाहेंगे कि आप अपने माध्यम से ये गाना थोड़ा सा गुनगुना दीजिए सर। कि तहरा जैसन भाई कहां, तहरा जैसन यार कहां। एक गाना जो पवन सिंह आपका फेवरेट हो, जो आपने लिखा हो, बहुत बड़ा हिट गया हो। कि जह दे गर्मी बदहिया में तरह गरह बर्फ के पानी हो। ऑडियंस के लिए सर क्या कहिएगा जो आपको इतना ज़्यादा प्यार कर रही है और इंतजार भी कर रही है कि कब बड़े सुपरस्टार के साथ पवन पांडे जी नजर आएंगे? देखिए कब तक नजर आएंगे, नजर कवरेज बनाए रखिए, हम पे नजर रखिए, जब आएंगे दुरुस्त आएंगे, जब आएंगे एकदम गर्दन मचा देंगे। देख सकते हैं ये थे हमारे साथ पवन पांडे जी, इनको लेकर आपकी क्या राय है, इनके बहुत ही बेहतरीन गाना पावर स्टार पवन सिंह के साथ और खेसारी लाल यादव के साथ डोली में गोली मार दम 3 आने वाला है, आप कितने ज़्यादा इंतजार कर रहे हैं हमसे जरूर शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और विवाद खत्म हो चुका है, प्यार का पैगाम भी जारी हो चुका है, आपने देखा होगा कि फोटोज वायरल हो रही हैं, उन पर आपको क्या कहना है? मैं था आप सभी का भाई तेजा, आप सभी देख रहे थे हेडलाइन भोजपुरी, जय भोजपुरी, जय बिहार।